सो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड आज मैं हूँ यहाँ पे, मेरी कजिन्स की शादी है और मैं आपको गुज्जू वेडिंग्स दिखाऊंगी। सो आई एम इन गुजरात एंड सूरत में हूँ मैं। सो मैं आपको सारी आज की जो भी रस्में हैं, हल्दी संगीत जो भी छोटी छोटी रस्में होगी वो मैं सारी आपको दिखाऊँगी। सो एंड तक ज़रूर देखना। और यस सो गाइज, ये है मेरा आज का आउटफिट। और सो गाइज, ये मेरी कज़िन और इसकी शादी है। सो ये गुज्जू वेडिंग और मैं आपको दिखाऊंगा सारी रस्में। तो गाइस, अब हो चुकी है यहाँ पे हल्दी की रस्म, मंडप मुहूर्त की रस्म थी वो निकल गई थी और मैंने उसकी कोई भी शॉट्स नहीं लिए, सो भूल गई थी मैं। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है हल्दी की रस्म है और यहाँ पे सारे जो रिलेटिव्स हैं बैठे हुए हैं और इस साइड भी बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पे जो होता है हल्दी की रस्म में मेन, आप सबको मालूम ही होगा कि क्या होता है, सारे रिलेटिव्स आते हैं, हल्दी लगाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, बहुत सारी मज़े करते हैं, मतलब अच्छा लगता है। और यस, ये रस्म में ना गाइस बहुत ही टाइम निकल जाता है और इस रस्म में भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था, बहुत ही लेट हो गए थे हम सारी चीज़ों के लिए। और सब आते हैं, हल्दी लगाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, सबकी सिंगल सिंगल फ़ोटोज़ खींचते हैं यहाँ पे। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, रस्में ये वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो यस, एंड और ये एक और रस्म है जिसको गुजराती में बोलते हैं चाकड़ो वधावा चाहिए छे। अगर आप गुजराती हो तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट्स कि इसको और क्या बोलते हैं, और मुझे नहीं पता हिंदी में उसको क्या बोल रहे हैं, बट ये एक और रस्म है। और यहाँ पे सारे लोग मिलके, लेडीज़ मिलके यहाँ पे सारी रस्में कर रहे हैं। और ये रस्म जो है दुल्हन की भाभी होती है वो करती है। सो ये जो येलो ड्रेस में है वो उसकी भाभी है और ये रस्म कंप्लीट करके जाएंगे वापस। अब हम यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है वो फोटोज़ के लिए फ्लावर्स लेके हम फोटोज़ की स्टाइलिश कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ अलग अलग टाइप्स के फ़ोटोज़ निकाल सकें। और यस, वीडियोज़ भी बहुत अच्छे लेंगे। सो हमें बहुत ही मज़े आ रहे थे, बहुत ही अलग अलग चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें सोच रहे थे, पर जितना हो सका उतना हमने किया है। और अभी हम हल्दी की जगह फ्लावर्स लेके सारी रस्में कर रहे हैं ताकि फ़ोटोशूट भी बाकी था तो वो भी टाइम बच जाए और हमारा फ़ोटोशूट भी अच्छे से आगे हो जाए। हाँ, जरूरी है। हाँ, मैं चला रहा हूँ। 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 हाँ, म
यहाँ पे वैसे ही फ़ोटोशूट कर रहे हैं जैसे फ्लावर्स की किया था, वैसे हल्दी वाले हाथ लेके हम फ़ोटोशूट करेंगे। और हल्दी नहीं लगाई अभी, बिकॉज हल्दी की रस्म कर ली वैसे, पर हल्दी नहीं लगाई है ज़्यादा, गलती थोड़ी थोड़ा सा ही लगाया, इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फ़ोटोशूट भी बाकी है ना, तो आगे टाइम बच जाएगा। और फिर ना टाइम हल्दी ख़त्म हो गई, चेंज कर लिया, और अभी थोड़ा सा ये हल्दी वल्दी क्लीन करेंगे और थोड़े फ़ोटोज़ और ये आउटफिट चेंज होगा। सो इसके बाद जो रस्म है वो है मामेरा बोलते हैं इसको गुज्जू में। और लेट मी ऑन कमेंट्स कि आप अपनी रस्म में क्या बोलते हैं, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आप अपने शादी में वगैरह में क्या रस्में होती है और क्या करते हैं, लेट मी ऑन कमेंट्स प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चले। और गुज्जू वेडिंग है तो मैं तो गुज्जू में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँगी आपको। सो यस, ये है मामेरा जो है लड़की है उसकी मम्मी के, मतलब लड़की के जो मामा होते हैं ना, वो ये सारी रस्में करते हैं लड़की की मम्मी को। सो यस, एंड ये जो है वो है दुल्हन की मम्मी, और ये जो सारे बैठे हैं उसके भाई हैं, सो ये सारे रस्में करते हैं अभी। सो ये ऐसे ही होता है, अब आगे थोड़ा देखेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा। और थोड़ी सी लंबी रस्म है, सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। और इसके बाद जो रस्म है, नहीं पहले हम, इसके बाद लंच टाइम होगा, उसके बाद और रस्म आएगी। सो यस, मिलते सीधा लंच में। अब हो चुके हैं शाम, और शाम के टाइम पे हमने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था वैसे। और ये शाम के टाइम पे ये जो डॉल बनी हुई है ना गाइस, ये देखो इतनी अमेजिंग है, और उसमें ना साड़ी पहनाई है जो छाप में देते हैं। सो वो डॉल को पहना के डॉल लेके आए सजा के बहुत ही अच्छे से, मतलब ये सारे लोग आए हैं लड़के वाले की तरफ से, छाप लेके आते हैं और सारी चीज़ें लेके आते हैं जो मैरिज में जो पहनना होता है वो चीज़ें, और साड़ी वगैरह जो भी हम रखते हैं वो सारी चीज़ें लेके आए हैं। और यस, सो मुझे ना गाइज ये सारी रस्मों में इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर मुझे थोड़ा बहुत जो भी पता था और मैंने जितना भी ध्यान रखा आपको बताने के लिए, मैंने जितना भी थोड़ा सर्चिंग की, सो उस हिसाब से बता रही हूँ। मुझे भी इतना कुछ खास मालूम नहीं है, पर यह है गुज्जू वेडिंग्स, और ऐसी होती है टिपिकल गुज्जू वेडिंग्स। और यस, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या चेंज होता है आपके और शादी में, या फिर बहुत अलग अलग टाइप्स की शादी होती है तो बहुत मज़ा आता है देखने में। सो मैं ये शेयर करना चाहती थी आपके साथ। और यहाँ पर डॉल रखी हुई है, और आउटफिट चेंज कर लिया है मेरी कज़िन ने, और उसको उसकी जो सांस है
वो बिंदी बिंदी लगा के मतलब अच्छे से वो उसको साड़ी पहनाएगी। और उसके बाद ये जो साइड पे है उसके सारे सिस्टर्स हैं और जो लड़के की सिस्टर्स हैं, और यस, और अपने हाथों में भी कुमकुम का वो करके उसके बाद हम श्रीफल देते हैं। सो जो उसकी सांस उसने रखा है श्रीफल उसके हाथों में, और उसके बाद लेंगे जो साड़ी जो पहननी है उसको मैरिज में, जो बोलते हैं चुंदड़ी बोलते हैं गुज्जू में। सो यस, और आगे आगे देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। और अगर आपको डे टू मतलब कल का वीडियो, शादी का वीडियो देखना है तो ये पार्ट टू बनेगा गाइस, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। सो इसमें आपको नहीं, पर वो ज़रूर देखना ज़रूर देखना ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और जो भी सारी रस्म है ना गाइस, वो आज ज़्यादा है, कल सिर्फ शादी और कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वही कोशिश की है कि आज सब कुछ ख़त्म हो जाए, मतलब कि कल थोड़ा और रिलैक्स एंड टाइम मिल जाए शादी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। सो यस, अभी ये सारी जो चीज़ें हैं वो लड़के वाले की तरफ से आई हुई है, और ऐसे ऐसे थोड़ी रस्में करते हैं गाइस। यहाँ पे जो उसकी सास ने जो श्रीफल और जो दिया था हाथ में, वो दुल्हन की मम्मी एक्सेप्ट करेगी, लेगी मतलब की, तो ये करना पड़ता है। ये एक ऐसी छोटी छोटी रस्में बहुत सारी है गाइस। और मेरे कज़िन का मुंह बिगड़ गया था, क्योंकि बहुत शक्कर के लिए बहुत शक्कर के लिए, तो थोड़े थोड़े टाइम में वो निकालते रहे थे। और गाइस बहुत थकान हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ये सारी रस्में करके, इतने सारे लोग और एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और कल तो और शादी है तो और एनर्जी चाहिए। सो कल हमने रखा है कि कुछ रस्में ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ शादी हो और फ़ोटोशूट रहे बस। अब जो दुल्हे की सिस्टर्स हैं उसकी बहनें हैं, वो एक एक करके सारी चीज़ें पहनाएंगे, जो गोल्ड की लाते हैं जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी पहनाएंगे एक एक करके। सो आप एंजॉय करो, एंड मिलते हैं अब हम सीधे गरबा में। सो यस, मैंने ये बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया है, और सारी छोटी छोटी रस्में भी मैंने इसमें शो अप की है। सो ये एंड तक और पूरा ज़रूर देखना।
सो एंजॉय करो गाइस, और विद यू वेडिंग्स और मुझे लेट मी नो कमेंट्स की कैसी है और आपको कैसी लगी ये वेडिंग्स, इस टाइप की वेडिंग आपको पसंद है कि नहीं, आप क्या। अब हम आ गए हैं यहाँ पे रेडी होने के लिए, उसको रेडी होना था और मेकअप वगैरह हेयर और सब कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, मेकअप उसका और हेयर बना लिए हैं हमने। सो ये है गरबा स्टाइल और गुज्जू में होते हैं गरबा, सो एंजॉय इट एंड यस। सो गाइज बहुत जल्दी से आएगा इसका पार्ट टू और उसमें सिर्फ होगा वेडिंग और शादी, बस फोटोशूट और कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट ये ज़रूर देखना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।